आखिरी दो ओवर में चाहिए थे 45 रन, फिर आया धोनी का तूफान। वाइजैक में उड़ा ऐसा हेलीकॉप्टर कि कांपने लगे सभी गेंदबाज के साथ पैर। फिर आखिरी ओवर में पंत ने चली तगड़ी चाल, लेकिन धोनी ने फिर भी कर दिया डीसी को बर्बाद। फिर अंत में ऐसे जाकर इस टीम ने जीता मैच, माही ने तोड़ दिया 17 साल पुराना रिकॉर्ड। तो ऐसे में क्या है पूरी खबर की जानकारी, सब कुछ बताने वाले हैं आपको इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी के फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करें इस रिपोर्ट की, दरअसल भाई आज आईपीएल 2024 का यहां पे 13वां T20 मैच खेला गया, जो कि यह मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और CSK के बीच खेला गया। इस मुकाबले में जहां पे दिल्ली की टीम ने पहले टॉस जीता और टॉस जीतकर गेंदबाजी ना करते हुए बल्कि बल्लेबाजी चुनी, और बल्लेबाजी करते हुए यहां पे दिल्ली कैपिटल की टीम की तरफ से जहां पे पृथ्वी शॉ ने 27 गेंदों में 43 रनों की बेहतरीन पारी खेली, तो वहीं डेविड वार्नर ने भी 35 गेंदों में 52 रन बनाए। वहीं ऋषभ पंत ने आज एक शानदार पारी खेली। जी हां, ऋषभ पंत का काफी समय बाद फॉर्म आया और 32 गेंदों में 51 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के भी लगाए। और ऐसे में दिल्ली कैपिटल की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 191 रनों का ताबड़तोड़ स्कोर खड़ा किया। इसी के साथ ही जब यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग की टीम बल्लेबाजी करने उतरी, तो चेन्नई सुपर किंग की टीम की तरफ से आज यहाँ पे उनकी ओपनिंग जोड़ी काफी खराब रही, जहां पर ऋतुराज गायकवाड़ और रचित रविंद्र बल्लेबाजी करने आए तो गायकवाड़ यहाँ पे केवल 1 रन ही बनाकर पवेलियन चलते बने, तो वहीं रचित रविंद्र भी 2 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। लेकिन इसके साथ ही अजिंक्य रहाणे ने 30 गेंदों में 45 रनों की शानदार पारी खेली, 5 चौके और 2 छक्के लगाए। तो वहीं दूसरी तरफ डैरिल मिचेल ने भी आज यहाँ पे भैया आपको बताएं कि 26 गेंदों में 14 रनों की पारी खेली और 2 छक्के 1 चौका लगाया। वहीं शिवम दुबे भी 18 रन बनाए। लेकिन इसके साथ ही जहां पे एक समय में CSK की टीम पूरी तरीके से अपने विकेट गवा बैठी थी, इसी के बाद यहां पे ऐसा लग रहा था कि अब ये मुकाबला दिल्ली के हाथ में है, लेकिन इसके बाद यहां पे अचानक से आपको बता दें कि CSK के पूर्व कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी का ऐसा तूफान आया कि इस तूफान में एक तरीके से एक समय में यहां पे CSK के आपको बता दें कि खिलाड़ी पूरी तरीके से खोए हुए थे और दिल्ली के गेंदबाज पूरी तरीके से यहां पे रूठ चुके थे। जी हां, दरअसल सिंह धोनी ने यहां पे 16 गेंदों में 37 रनों की शानदार पारी खेली, 231 का स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी, जिसमें 3 तो हेलीकॉप्टर शॉट आए और इसके साथ साथ 4 चौके भी लगाए महेंद्र सिंह धोनी में। और यहां पे दिल्ली कैपिटल के पूरे गेंदबाज कांप चुके थे महेंद्र सिंह की धोनी की बल्लेबाजी को देखकर। लेकिन ऐसे में फिर यहां पे आपको बता दें कि मुकेश कुमार की आज गेंदबाजी कमाल की रही, जिस तरीके से उन्होंने यहां पे विकेट लिए दिल्ली कैपिटल्स की टीम पे काफी कमाल के। तो वहीं खलील अहमद ने भी आज यहां पे 2 विकेट चटकाए, मुकेश कुमार ने 3 तो वहीं अक्षर पटेल ने 1। लेकिन ऐसे में फिर भी महेंद्र सिंह धोनी की नाबाद बल्लेबाजी और रविंद्र जडेजा के 21 रन नाबाद बल्लेबाजी इस जियाम को CSK की टीम को जीत नहीं दिला पाई। जी हां, यहां पे जहां CSK की टीम लगातार 2 मैच जीती है अब तक, तो वहीं दिल्ली कैपिटल की टीम 2 मैच हार के अब यहां पे तीसरे मैच में उसने जीत दर्ज करी और दिल्ली की टीम ने यह मुकाबला 20 रनों से अपने नाम किया। तो आपको क्या लगता है इस बारे में, आपको क्या लगता है कि यहां पे अब की बार दिल्ली कैपिटल की टीम यहां पे टॉप 4 में पहुंच पाएगी या नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।